देख रहे हैं इंडियन टीवी, मैं हूं आपके साथ शेयर नजीर। बड़ी खबर, भारत के दूसरे लौह पुरुष हैं अमित शाह, ये बात साफ कर दी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे अमीर आदमी ने। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बीजेपी के साथ अमित शाह की जमकर की तारीफ, साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह एक सच्चे कर्म योगी हैं और उन्हें भारत का लौह पुरुष कहकर भी पुकारा। आपको बता दें कि इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता था भारत का लौह पुरुष। जी हाँ, ये बात रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अमित शाह की उपस्थिति में कही। उन्होंने अमित शाह को सम्मानित करते हुए कहा कि अमित शाह जी, आप ही सच्चे कर्म योगी हैं, आप ही सही मायने में हमारे देश के लौह पुरुष हैं। आपके जैसे लीडर को गुजरात और भारत पाकर काफी धन्य हैं। अब भारत एक सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि आज का भारत कल के भारत से काफी ज्यादा अलग है। बाय द प्रेजेंस ऑफ आवर वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड डियर श्री अमित भाई शाह विद अस टुडे, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। अमित भाई, you are a true karma yogi, you are an iron man of our age, your energy and focus always amazes me. Gujarat and now India are blessed to have an inspiring leader like you. For all that you have done for our state and for our country, we can only say a big and heartfelt thank you. Thank you, Amit bhai, for everything. सर, आपका नाम क्या है? एचके नाइक। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज मॉर्निंग में नोटिस जारी किया है, उस नोटिस को जारी करने से क्या क्या फर्क पड़ सकता है भारतीय जनता पर भी और पाकिस्तान में भी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो केस को अक्टूबर फर्स्ट वीक को एडजन किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया। ओनली टू ऑर्डर्स बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नोटिस इन द सेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इशूड द नोटिस एंड रेफर द मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। द मैटर विल बी हियरिंग एडजन टू द अक्टूबर फर्स्ट वीक, ओनली दिस मच। आप जैसे कि अब नोटिस तो जारी हो गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सीमा मतलब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन टू जम्मू एंड काश्मीर 1954 एंड प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन विच रिवोक द नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑर्डर ऑन 14/5/1954 पब्लिश्ड इन द इंडियन गजेट and the law and order situation at Jammu and Kashmir, civil liberties, these are the prime concern. 14 लोग थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही ये नोटिस जारी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये नोटिस जारी करना कितना ठीक रहेगा और कितना गलत? यू सी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज अ अपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वी कैनॉट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर। Therefore, the matter is pending. The Honorable Supreme Court will consider all relevant aspect. And Honorable President of India issued the notice under Article 373. There is no mandatory power. It gives only optional, so that the President and also in Jammu and Kashmir, there was a governor. Governor has given the consent to as a precondition to issue the notification by the Honorable President of India. And therefore, there is no legal validity. That means legislation or assembly permission of Jammu and Kashmir is required, because here we have to interpret how many times the presidential rule has been imposed at Jammu and Kashmir, and whether all MLAs of the Jammu and Kashmir, how far they were working for the welfare of the Jammu and Kashmir, and how far they were maintaining the integrity of India being a electorate. This is very well known to the law and सेंट्रल गवर्नमेंट। आई नो सर, मैं आपको थोड़ा सा कस दे रही हूँ, पर जो आपने जो बात अभी कही उसे आप हिंदी में बोल दीजिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है।
सर ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की और जो मॉर्निंग में आज सवेरे जो नोटिस जारी किया उसके बारे में, और ये मुद्दा तो सबसे पहले ये आता है कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। तो ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस की और बाकी की विपक्षी पार्टियों की वजह से, विपक्षी लोगों की वजह से, जिन्होंने 300 अनुच्छेद 376 में के खिलाफ थे, उसकी वजह से ये मैटर शुरू है। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो पाकिस्तान, राहुल गांधी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, हमेशा 376 370 के हमेशा अगेंस्ट रहे थे वो, और उनके अगेंस्ट रहने की वजह से ही हमेशा उन्होंने अपोजिट क्वेश्चंस किए, उसी की वजह से पाकिस्तान को हमेशा चांस मिलता रहा भारत पे धावा बोलने का। तो आपको क्या लगता है कि एक तरीके से ये कौन सी रणनीति है कांग्रेस की? यू सी, पाकिस्तान में गरीब लोग कैसे है, हालत इकोनॉमिक कैसे हो गए सभी को पता है। इसके लिए वहाँ का गवर्नमेंट गरीब लोगों का उद्धार करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये रिगार्डिंग दिस वन इंटर नेशनल डूइंग इट इज़ नॉट ए गुड बाय द राहुल गांधी, वट एवर इज थॉट्स आर देयर ही हैज़ टू प्लेस बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज एट पार्लियामेंट this subject has widely debated by all parties and with all the consent about, and more than 95% of the people of this country appreciating this progress. Therefore, these are all aspects are very good, and even the president of the Pakistan also want to secure the support from other countries and entirely failed. Therefore, submission of some letters and saying internationally by Rahul Gandhi has no meaning at all. Geographical area of Jammu and Kashmir is a substantial fault of India, like other states like Karnataka, Bihar, and also Pakistan occupied Kashmir also. It is a substantial part. One day we have to have the Pakistan occupied Kashmir. अगर राहुल गांधी और कांग्रेस में बात आई है तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे कि अनुच्छेद 370 की जो बात थी, कश्मीर का जो मुद्दा था, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत हुई थी नेहरू जी से, ठीक है, नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी, अब मोदी सरकार में आके इसे हटा दिया गया है, तो राहुल गांधी जी को ये बात पच क्यों नहीं रही है? बार बार पे इसमें विपक्षी दलों की तरह इस पर बुरे कमेंट्स करते थे और करते ही आ रहे हैं, वो तो अभी वो यूएन की वजह से फंस गए हैं, इसीलिए उन्होंने शायद मीठा हाथ बढ़ाया है भाजपा की तरफ, पर वो हमेशा इसके अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि जब देश की पूरी जनता इस फैसले से खुश है तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो ना खुश हैं या फिर इस पर बुरी बुरी बातें फैला रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू सी देयर इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपोनेंट पार्टीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक रैशनल कमेंट्स, something what will happen instead of rational comments it gets something exaggerated so that they are doing something, but the Indian democracy is a very vibrant democracy. The log kya chahenge wo kaun sa right hai aur kaun sa galti hai log decide karenge. ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर हो रहा है, वो अभी नया क्या नोटिफिकेशन से उधर एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, वो काम के लिए लोग सहमत दे रहा है सारे तरफ से, और यू सी डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द स्टेटमेंट कम्स द इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मीडिया आल्सो दे पब्लिश इन डिफरेंट मीडियाज, बट इंटरनेशनली no forum or no country support any countries, they already clear Jammu and Kashmir or the Pakistan occupied area is a substantial geographical area of India, therefore we don't have to go back at all. सर ये तो बात हुई कांग्रेस की हो गई है और हमने नोटिस के बारे में बात की, चलो आप थोड़ी सी बात मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आप खुश हैं अनुच्छेद 370 हटने से? Of course, very well, because so far how many times at Jammu and Kashmir presidential rule has been imposed, and in how many MLAs in Jammu and Kashmir are working for the welfare of the state, and you see some the president of the Pakistan was saying about atomic energy power, it has to be utilized only for the welfare of the state, not to anything. And suppose a war happened,
India deployed all the soldiers as per the rules and regulations of the law of war. But Pakistan know in the how many soldiers comes and how many others comes. Therefore, there is no point at all. We are rightly moving in the correct track. सर बहुत सारी बातें ये होती हैं, जैसे कि विपक्षी पार्टियां हमेशा ये कहती आ रही हैं कि जब 300 अनुच्छेद 376 को हटाना था तो उससे पहले जनता से या फिर औरों से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यू सी लॉ द रिटर्न लॉ मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड एनालाइज प्रॉपरली. ऑफकोर्स देर इज अ प्रोविजन देर कंसेंट ऑफ द इट इज अ प्री कंडीशन कंसेंट ऑफ द असेंबली इज रिक्वायर. But under the law, what is the meaning of assembly? We have to consider. Already I told you, in Jammu and Kashmir assembly, how many MLA are there and how much of them working for the welfare of the state? And someone arrested. Without any lawful reason, nobody get arrested. Therefore, governor is also a government. The governor of the Jammu and Kashmir given the consent, consent to the President of India, and President of India properly consider under the democratic rules and regulations. Thereafter, this notification has been issued. Therefore, the notice under the Government of India published on 14 May 1954, Constitution to Jammu and Kashmir. Application to Jammu and Kashmir 1954 has been revoked. The work is going on. Therefore, here we have to interpret what is assembly. Suppose in a all electors are the people elect what kind of persons we know very well. Therefore, assembly means what is the meaning of assembly? That is a component of different electorates. Whether they doing the welfare work properly or whether they attend. Or whether they submit the work on any subject about the facts and the law properly, whether the MLAs read the law and historical grounds, what is actually required to the people, or which matter to be disclosed, what is our internal matter, whether they consider. Therefore, here is a very wide scope to interpret the assembly, in this case highly required. I heard by by some children and the people, in the coming days all over India, a subject will be given to the in the schools that how was Congress Party, because the Congress Party going in the history. Therefore, whoever may rule the country, they have their statement has to be right. Now, Rahul Gandhi is not in a in any post. He is in a very responsible post. He is each and every. Statement votes have to affect the integrity of the nation, and he has to secure the our internal democracy, and only this much. If he go beyond it, the people are judges. सर ये बात तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हर छोटी छोटी बात का फ़ायदा उठाने का मौका ढूंढता रहता है, और इस बार मौका उन्हें राहुल गांधी ने दे ही दिया जब उन्होंने ये कहा कि जब वो श्रीनगर से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ लोग मर रहे हैं और वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. जब उन्होंने ये बयान दिया था तो इसी का फ़ायदा उठा लिया पाकिस्तान ने UNSC को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें घाटी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि वहाँ पे लोग मर रहे हैं. उन्होंने इस तरीके से UNSC को लेटर लिख दिया, तो आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? यू सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लेटर लिख सकता है, एनी सिटीजन और द चिल्ड्रन. देयरफॉर फायदा क्या है वहाँ पे? एग्जैक्टली नॉट ओनली राहुल गांधी, सो मेनी ऑफ देम मस्ट हैव रिटन द लेटर टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. देयरफॉर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ देम? यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो इट इज़ वेरी कीन अबाउट जम्मू एंड काश्मीर. इट इज़ लुकिंग आफ्टर, बट इट नेवर इंटरप्रेयर एनीथिंग. इट ऑल्सो नोस इन जम्मू एंड काश्मीर गोइंग वेरी गुड डेवलपमेंट्स. इट नो वेरी वेल rights and liberties, freedoms of the citizen will be restored very soon, and every moment, day and night, the central government and the citizen of the country, our armed forces, police forces, we are all including doing good job.
Where the Rahul Gandhiji read the letter to the United Nations of India, the question is whether that letter go to the correct proper authority, whether they consider, or the letter go to the dustbin. अब हमारे जो जैसे कि अब भारत की तरफ से सिर्फ यही सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि जो ओको बाइट है उस पर किस तरह से बात की जाए और पाकिस्तान हमें हमारा हिस्सा किस प्रकार से देगा, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? You see, no doubt India is a most powerful country economically, educationally, in every respect. And we are not only the powerful ourselves, we are mentor and directors to the whole world, even religiously. And how we are maintaining the ancient ethos, culture, etc. Therefore, Pakistan occupied Kashmir is already our land. One day we will hear the news of morning 6 a.m. It is under Indian territory. There is no difficult task at all, and I am fully confident no other country of the world will interfere, because interfere by the other countries, they will think too much. It is not easy to interfere in the affair of the valid, without a valid reason. They never interfere in our, you see, administration. Definitely, it is very easy to the India to, of course, it is the part of our Pakistan occupied area is our substantial part. And we will start our, you see, administration.